नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर के एस कुलकर्णी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी, मेरी जो सेकंड बुक थी आर्टिस्ट पर, 37 वाली जो बुक थी, मैंने 37 आर्टिस्ट डाले हुए हैं, वो बुक आ चुकी है। आप चाहें उसको परचेस कर सकते हैं अमेजोन से भी, डायरेक्ट मुझसे भी आप कर सकते हैं। मेरे नंबर से कांटेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको बुक मिल जाएगी। 37 आर्टिस्ट मैंने उसमें आर्टिस्ट से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर ही मैंने दिए हैं, तो उसको आप ले सकते हैं। दूसरी बात, 1 अगस्त से जो DSSB का बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि DSSB के अभी डेट नहीं आई है, तो इंडियन आर्ट का जो बैच है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं 9599670200 पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए, मैंने केस कुलकर्णी आज इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आर्टिस्ट मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये उत्तराखंड LT आर्ट से रिलेटिव है, उनके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को करा देना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि यूपी में नहीं आएंगे, क्योंकि यूपी के सिलेबस में जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत सारे हैं, तो ये यूपी के आर्ट जो सिलेबस है उससे भी रिलेटेड हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं को कर लेते हैं। देखिएगा, जन्म हुआ था इनका 17 अप्रैल 1918, को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वेलगांव, कर्नाटक। बेलगांव, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। अब देखेंगे पूरा नाम क्या है इनका, सबसे पहले पूरा नाम भी देख लेंगे। पूरा नाम K4 कृष्ण, S4 श्यामराव और कुलकर्णी, इनका पूरा नाम था कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी। इन्होंने प्रवेश लिया था JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में, प्रवेश लिया JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में। कब लिया था? 1935 ईस्वी में। इसके बाद इन्होंने कला में डिप्लोमा भी किया था भित्ति चित्रकारी का, तो देखेंगे इन्होंने भित्ति चित्रकारी का 1 वर्ष का डिप्लोमा भी लिया था, 1 वर्षीय डिप्लोमा, डिप्लोमा भित्ति चित्रण का, भित्ति चित्रण का इन्होंने 1 वर्षीय डिप्लोमा भी किया था। अब देखिएगा, इन्होंने टेक्सटाइल फॉर्म में डिजाइनर का काम भी किया था 1943 में टेक्सटाइल में डिजाइनर का काम, डिजाइनर का काम भी इन्होंने किया था। अब इसके बाद देखेंगे आप, इन्होंने देखिए अपनी कला की जो शुरुआत की थी केस कुलकर्णी ने, वो म्यूरल से की थी, म्यूरलिस्ट थे ये, तो लिख लेंगे कला की शुरुआत म्यूरल से, मतलब भित्ति चित्रों से इन्होंने अपनी कला की शुरुआत की थी। अब देखिएगा, सबसे पहले इनकी शैली पर जो प्रभाव था, आरंभिक प्रभाव, वो अजंता, अजंता के भित्ति चित्रों का, और राजस्थानी, राजस्थानी प्रभाव इनके भित्ति चित्रों पर था। इसके बाद यूरोपीय और भारतीय शैली का मिश्रित रूप इनके चित्रों पर आने लगा। तत्पश्चात यूरोपीय वे भारतीय का मिश्रित रूप, भारतीय का मिश्रित रूप जो है वो इनके चित्रों पर दिखाई देता है। अब दिल्ली लाइन लिखा रही हूं मैं, आप इस लाइन को ऐसे ही लिखेंगे, शिल्पी चक्र
के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, सदस्यों में से एक थे। इस लाइन को ऐसे लिख लेंगे, दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो शिल्पी चक्र भी मैं आपको जल्दी से पढ़ाऊंगी। अब देखिएगा, इसके बाद 1955 में इनको तीन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए, तीन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए गए? 1955 में दिए गए थे। इसके अलावा इनको इनको क्या कहा जाता था? रेखा का गुरु और रंग के मित्र भी आई थे ये। यह है रेखा के गुरु, इनकी रेखाएं बहुत अच्छी थी, और रंग के मित्र भी आई। प्रश्न यहां से आ सकता है, तो आप इसको करेंगे मित्र व्ययी। उत्तराखंड वाले और यूपी वाले क्वेश्चन देखिए, दोनों के ही सेम होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है उत्तराखंड में पाश्चात्य आती है टीजीटी में और प्राविधिक आती है, यूपी टीजीटी में पाश्चात्य नहीं आती है। देखिए, ललित कला संकाय के डीन थे, ललित कला संकाय के डीन, और ये डीन कब से कब तक रहे थे? 1972 से 1978 तक, 1978 तक ललित कला संकाय के डीन रहे। यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है, याद रखेंगे, थोड़ा हाईलाइट कर लिया करें कुछ चीजों को। इनकी कला में पौराणिक कहानियों के दृश्य पाए जाते हैं, दृश्य पाए जाते हैं पौराणिक कहानियों के इनकी कला में। अब दूसरा आप देखेंगे, ये संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय वाराणसी से जुड़े थे। इस तरह से प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन से आर्टिस्ट इससे जुड़े थे? देखिए, जुड़े थे ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से, वो सॉरी संगीत एवं ललित कला लिखिए, संगीत का भी था ये, संगीत एवं ललित कला, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU से वाराणसी से जुड़े थे। अब इनके कुछ चित्र हैं, वो चित्र मैं आपको बता देती हूँ। मेन होते हैं चित्र, क्योंकि आप लोगों का कहना था कि मैं टेलीग्राम पर चित्र ना भेजकर चित्र भी यहीं पर करा दिया करूं, तो चलिए चित्र भी मैं यहीं पर करा देती हूँ, ठीक है? अब देखिएगा इनके चित्र, सबसे पहले देखेंगे अंतिम भोज, कई बार पूछा गया है इनका ये चित्र, अंतिम भोज चित्र इनका काफी बार पूछा गया है, और 1987 ईस्वी में बना था। एक है काली लड़की, ठीक है, काली लड़की इनका चित्र था, और एक चित्र था इनका पनघट, खेत बैल, पनघट खेत बैल, सबसे ज्यादा ये चित्र पूछा गया है, ये भी इनका आया हुआ है, तो कुछ इन चीजों को याद रखेंगे। और संयोजन चित्र इनका था, संयोजन कबाड़ी टोकरी और मास्क, ये कुछ चित्र थे, प्रसिद्ध चित्र थे इनके, जो पूछे गए हैं और ये आते भी हैं। तो आप इन चित्रों को बहुत ध्यान से देखेंगे, जिनको मैंने हाईलाइट किया स्पेशली, और हो सकता है ये वाला चित्र इस बार पूछ ले, तो इन चित्रों को आप याद रखेंगे, इनको करेंगे। और इसके बाद जो मैं आपके लिए आर्टिस्ट लेकर आऊंगी, तो मेरे अगले आर्टिस्ट का जो टारगेट है वो है अर्पिता सिंह या फिर अर्पा कौर, इन दोनों में से भी एक आर्टिस्ट आप लोगों के लिए ले आऊंगी। तब तक आप इनको तैयार करें, और साथ ही साथ अब हम ग्रुप भी पढ़ेंगे, ठीक है?
चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।